तुझको तकता है कि कोई इतना। अगर बॉलीवुड में क्यूट एक्ट्रेस की बात हो रही हो तो श्रद्धा कपूर का नाम सबसे पहले आता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रद्धा कपूर के बारे में। श्रद्धा कपूर को कौन नहीं जानता, जो एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी कमाल की करती हैं। और इस सी टू की सक्सेस के बाद श्रद्धा कपूर पूरी बॉलीवुड और पूरी इंडस्ट्री में छाई हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे श्रद्धा कपूर के बारे में कुछ 15 ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और अगर आप भी हैं श्रद्धा कपूर के फैन और करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं हर किसी की फेवरेट श्रद्धा कपूर कितने लोगों को डेट कर चुकी हैं और इनका ब्रेकअप क्यों हुआ, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बचपन में वरुण पे एक छोटा सा क्रश था। तो हम श्रद्धा कपूर जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, इनका जन्म 3 मार्च 1987 को मुंबई में हुआ। नंबर 2, श्रद्धा कपूर एक्टिंग के साथ साथ कमाल के सिंगर भी हैं और कई सारी लैंग्वेज भी बोल सकती हैं। बात करें श्रद्धा की फैमिली की तो इनकी फैमिली में इनके पिता शक्ति कपूर जो कमाल के एक्टर हैं, इनकी माँ शिवांगी कपूर और इनके भाई का नाम सिद्धार्थ कपूर है। नंबर 3, श्रद्धा कपूर ने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई जमनाबाई नर्सरी स्कूल मुंबई से कम्प्लीट की और 15 साल की एज में वो अमेरिका स्कूल ऑफ बॉम्बे चली गई। नंबर 4, श्रद्धा कपूर को बचपन से ही एक्टिंग और डांस का बहुत शौक था और इसी वजह से श्रद्धा ने अपनी पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ दी थी। श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ दोनों ही क्लासमेट थे और दोनों ने ही साथ में पढ़ाई की है। नंबर 5, श्रद्धा कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में 3 पत्ती मूवी से की थी और ये मूवी उनकी फ्लॉप गई थी। और इसके बाद श्रद्धा की नेक्स्ट मूवी आई लव का दी एंड और ये मूवी भी फ्लॉप रही। और इसके बाद श्रद्धा कपूर पूरी तरीके से टूट गई। नंबर 6, इसके बाद श्रद्धा की मूवी आई ब्लॉकबस्टर आशिकी 2 और इसी मूवी से श्रद्धा कपूर को एक जानी मानी पहचान मिली और वो रातों रात तेजी से वायरल हो गई और इस मूवी के सारे गाने भी ब्लॉकबस्टर हुए। इसी मूवी के बाद श्रद्धा कपूर को कई सारी मूवीज के ऑफर भी आने लगे और श्रद्धा कपूर 2014 में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली एक्ट्रेस बनी। नंबर 7, श्रद्धा कपूर अपने रिलेशन की वजह से भी काफ़ी लाइमलाइट में रहती हैं। 2018 में श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर के रिलेशन की खबरें जोड़ो तोड़ो पे थी। फरहान के डिवोर्स की वजह भी श्रद्धा कपूर को ही बताया जा रहा था और कहना ये था कि श्रद्धा कपूर पूरी रात फरहान के घर रुकी थी। और इस बात पर आपत्ति जताते हुए शक्ति कपूर श्रद्धा कपूर को घर वापस ले आए थे और इसके बाद श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसा कुछ नहीं था। नंबर 8, आशिकी 2 के बाद श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और इनका रिलेशन कई सालों तक चला और इसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और इसके बाद श्रद्धा कपूर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी डेट किया। जब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने श्रद्धा से शादी के लिए कहा तो श्रद्धा ने मना कर दिया। नंबर 9, श्रद्धा कपूर और वरुण धवन दोनों ही बचपन से दोस्त थे। जब श्रद्धा 8 साल की थी तभी श्रद्धा ने वरुण को पहाड़ों पर ले जाकर प्रपोज किया था पर वरुण ने उस टाइम भी श्रद्धा के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। श्रद्धा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो वरुण को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। नंबर 10, श्रद्धा कपूर को बचपन में लगता था कि उनके पापा स्पाइडरमैन हैं क्योंकि शक्ति कपूर अपने सूट के ही गेटअप में घर वापस आ जाते थे। नंबर 11, स्त्री 2 की सक्सेस के बाद श्रद्धा की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरे बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग श्रद्धा कपूर की है और इससे पहले प्रियंका चोपड़ा थी पर श्रद्धा कपूर ने प्रियंका चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग विराट कोहली और दूसरे नंबर पर श्रद्धा कपूर की है। नंबर 12, श्रद्धा कपूर प्रेजेंट टाइम में राहुल मोदी के साथ रिलेशनशिप में है। राहुल मोदी जो डायरेक्टर और राइटर है और श्रद्धा ने अपने रिलेशन का रिवील इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर किया था। वहीं श्रद्धा के फैंस को श्रद्धा और राहुल की जोड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वैसे आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 13, श्रद्धा कपूर और एक्ट्रेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो रियल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा सिंपल और स्वीट है और जो श्रद्धा के साथ काम करता है वो भी श्रद्धा का फैन हो जाता है। नंबर 14, जब श्रद्धा कपूर 16 साल की थी तब सलमान खान ने श्रद्धा कपूर को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया था पर श्रद्धा कपूर ने मना कर दिया था और उस टाइम ये बात काफी लाइमलाइट में भी रही थी। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा क्यूट और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। वैसे आपको श्रद्धा की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आप श्रद्धा कपूर को कितना पसंद करते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने ओपिनियन ज़रूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइज़।